पानी जो पड़ा है हम लोग की ना बॉडी पे, हम लोग नीले हो गए थे यार, नीले हो गए थे हम लोग। एकदम डिप्रेस हो गई मम्मी, एकदम परेशान हो गई कि ये हमने क्या गलती कर दी। आइए आइए, मुंह काला करवाइए। मारा क्या कर रही हो? स्वेटर कैसे पहनना है? ये तुमने उल्टा स्वेटर पहना हुआ है और सारा निकला हुआ है इसमें से। हाँ बस यहीं बैठे बैठे कर लेना। अच्छा, तुमसे छीलने के लिए कहा गया था कि खाने के लिए? अम्मी छील रही, तुम बैठ के खा रही हो। ये कैसी मूंगफली? कैसी है? ऐसी। अब छील के दिखाओ। ये रखी तो है सारी। ओ, सर्दी की तैयारियां। अरे यार, जब हम वीडियो बनाते हैं कबाड़ी वाला जरूर आ जाता है, पता नहीं क्या है इसका। तो शाम की तैयारी हो रही है, शाम को आग जलाई जाएगी क्योंकि शाम को बर्फ गिरने लगती है। मजाक कर रहे, बर्फ नहीं गिरती। हम लोग शाम को करेंगे हुकला लहू, हुकला लहू। तो ये रहा मेरा कबर्ड, ये भी मेरा कबर्ड है, ये हमने पहना हुआ था 2 दिन पहले। और ये रहा मायरा का कबर्ड, कपड़े बाहर भागे आ रहे हैं। ये रहा मायरा का बैग, ये रहा मेरा बैग, और ये रही मेरी छोटी सी टॉवल। अभी हम जा रहे हैं नहाने, तो हमने सोचा कपड़े निकाल लेते हैं। तो आज धूप खिली खिली है, आज का मौसम ये है। चलो ये बताओ ये क्या लिखा है? ये वाली उंगली नहीं खोली जाती, ये वाली उंगली खोलो। सॉरी। चाटा चट चाटा चट ना ना मैं बड़ी के मारे नी। तो हम जा रहे नहाने, नहा के आते हैं। हाँ तो मैंने नहा लिया। ये क्या मम्मी रेसिपी शेयर करने वाले थे, हम मम्मी ने चढ़ा भी दिया। बताया तो था मम्मी ठंड से एकदम ऐट गया बिल्कुल। बैठे बैठे 1 घंटे हम बाथरूम के अंदर बंद थे क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में पानी खत्म हो जाता फिर कोई चलाता नहीं है। खैर, नहाने से याद आ गया एक बचपन का किस्सा। पता है क्या हुआ था? ईद का दिन था, तो ईद के दिन में काफ़ी छोटे थे हम लोग, ऐसे होंगे 6-7 साल के। हम और बड़ी वाली बहन जो है मेरी, हम दोनों मतलब ऐसे ही साल भर का डिफरेंस हम लोग के बीच में। उस टाइम पे मतलब इतना पानी गर्म करने का सीन नहीं हुआ करता था। हम लोग तब दूसरे शहर में रहते थे, हम लोग फैज़ाबाद में रहते थे, तो फजूल खर्चा लगता था लोगों को ये पानी गर्म करना या गीज़र या इस तरह की चीज़ें। तो हम लोग ठंडे पानी से ही नहाया करते थे, अब तो सोच भी नहीं सकते पता नहीं कैसे नहाते थे। सुबह सुबह नमाज होती थी तो 9 बजे के आसपास, तो फिर हम लोग का क्या उठाया, और हम लोग को ईदगाह जाने का बहुत शौक़ था, बहुत शौक़ था, मतलब क्या ही बताएं। क्योंकि ईदगाह में सारे सब लोग मिलते थे ना एक दूसरे से, तो मेरी काफ़ी फ्रेंड्स मिल जाती थी वहाँ पे। सब अपने पेरेंट्स के साथ आती थी, पेरेंट्स मतलब अब्बू मतलब फादर के साथ या भाई के साथ कोई भी। यार क्या बात कर रहे हैं, पहले मुद्दे पे आओ, हम यार बात ही नहीं कर पाते हैं। तो मुद्दा ये है कि मॉर्निंग में उठाया अम्मी ने और ले गई नीचे नहाने नहलाने के लिए, क्योंकि पानी उस दिन शायद लाइट चली गई थी या जो भी हुआ था पता नहीं,
याद नहीं है इतना। सुबह सुबह वो 2-3 दिन का पानी सेफ रखा हुआ था टंकी में, तो उसी पानी से मम्मी ने नहला दिया। वो पानी जो पड़ा है हम लोग के ना बॉडी पे, हम लोग नीले हो गए थे यार, नीले हो गए थे हम लोग, ऐसा ऐसा करके काँप रहे थे। मतलब अम्मी लिटरली मम्मी डर गई थी, मम्मी डर गई थी कि नहला तो दिया है, लड़कियों का हाल क्या हो रहा है। एक बार को तो बिल्कुल एकदम डिप्रेस हो गई मम्मी, एकदम परेशान हो गई कि ये हमने क्या गलती कर दी, कहीं जिंदा बचेंगी लड़कियाँ मर जाएंगी दोनों हमारी। खैर बच गए, रोटी बन गई। ये ज़ीरा राइस ना, मतलब जो पीली दाल होती है अरहर की दाल, मस्त लगता है उसके साथ खाने में। नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी शेयर करेंगे, इस बार हमसे चूक हो गई, वो भी मेरी गलती नहीं थी। तो हम जा रहे हैं खाना खाने। उस टाइम ये स्वेटर पहन रहे थे पर हमने पहना नहीं इसलिए क्योंकि ये ठंडा ठंडा था, तो हमने ये धूप में डाल दिया, पहनेंगे। तो मैंने ये स्वेटर पहन लिया, ये मेरा फेवरेट स्वेटर है, काफ़ी पुराना है और बहुत गर्म करता है। जैसे होते हैं ना कुछ कपड़े आपके दिल के बड़े करीब होते हैं, आप कभी भी उनको अपने से दूर नहीं करना चाहते, उनमें से ये एक है मेरे लिए। इस स्वेटर के कलर की मेरे पास लिपस्टिक भी है, बिल्कुल सेम ना। अब ठीक है, हम तुम्हारी फोटो डाल देंगे, पता चल जाएगा सबको तुम कितनी अच्छी दिखती हो। तुम अभी भी अच्छी दिखती हो मनु, पता है तुम्हें? मेरे टकलू टकलू तो नहीं कमेंट्स में भेजेंगे, अगर तो आपने टकलू कमेंट्स में भेजा ना तो फिर आपको इस वीडियो को 1000 लाइक्स करने पड़ेंगे। अच्छा सब्सक्राइब कर दिएगा। ब्रेड बनाने के लिए ये दोनों सेक्शन पकड़ेंगे, ठीक है, अब ये वाली फिंगर निकालेंगे। ए! ये वाली फिंगर निकालनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ से फिंगर वाला है, वो देख लिया है। ये गलत बात होती है किसी भी काम के लिए, आपने अगर गलती से भी निकालनी चोटी बना रहे थे डॉल की, उसमें भी नहीं निकाल। अब अपन लोग आग जलाएंगे। Yeah. 2000 years later. ये धुआं तुम्हारा सनग्लास रोक देगा, आंख में नहीं लगेगा। आइए आइए मुंह काला करवाइए। हाँ बस इसी दिन के लिए तो नहाए धो के साफ साफ हुए थे ताकि मुंह काला हो जाए। आज अगर ये आग जल गई हम लड्डू बांटेंगे। और दिखाओ टैलेंट, आग जलानी है। हेलो, थैंक यू सबको, थैंक यू फिर बुझ गई।